हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में, टोटल 1000 करंट अफेयर के बारे में। आज से ये वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है, ये हमारा पहला पार्ट होगा, ठीक है। ये वाली जो करंट अफेयर की सीरीज़ है आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो PSPCL को या हरियाणा का आने वाले पटवारी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये वाला आपका करंट अफेयर वाला वीडियोस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि करंट मंथ वाइज आप लोगों का टेस्ट लिया जाए करंट अफेयर का, वो भी हम कर सकते हैं। लाइक कोई एक मंथ डिसाइड कर लेंगे, लाइक हमने सितंबर मंथ डिसाइड कर लिया, तो आप लोग सितंबर मंथ के या फिर 1 से 15 डेज़ का, सितंबर मंथ का 1 से 15 दिनों का आप लोग प्रिपेयर करके आ जाना, और अगले दिन मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगा या लाइव आके हम लोग उसका टेस्ट लेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगी कि सितंबर मंथ के मैंने जितने पढ़े थे कितने सही हो रहे, कितना स्कोर बन रहा है, तो उस हिसाब से आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बनता रहेगा। अगर करंट अफेयर के अलावा अगर और कोई भी टॉपिक आप लोग तैयार करना चाहते हो, तो एक टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। उस टॉपिक पर डिसाइड करने के बाद आप लोग उसको पढ़ के आना अच्छे से, अलग अलग बुक से पढ़ के आना, और मैं उस पर नेक्स्ट डे एक टेस्ट लेके आऊँगा, तो उससे टेस्ट होने के बाद ये पता लग जाएगा कि हाँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इतने मेरे नंबर आ रहे हैं, इतना सही हो रहा है। तो ऐसे एक एक टॉपिक करके हम लोग सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आप लोग सजेशन देना कमेंट बॉक्स में, और कौन सा टॉपिक पर नेक्स्ट टेस्ट होना है वो आप लोग नीचे जरूर बताना कि इस टॉपिक का टेस्ट रख लो, तो वो हमने अनाउंसमेंट कर देगी कि इस टॉपिक का टेस्ट है और उसका अगले दिन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे करके सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के फटाफट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इनोग्रेटेड द इंडियन एयरफोर्स फैसिलिटेशन कम पब्लिसिटी पेविलियन FCP इन नेशनल बाल भवन इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल भवन में भारतीय वायुसेना सुविधा सह प्रचार मंडप FCP का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन नंबर डी। ये जो हमारे हैं ना रमेश पोखरियाल निशंक, ये हमारे HRD मिनिस्टर है, ये भी आपको याद रखना है। ये हमारे HRD मिनिस्टर है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर है। इसके अलावा इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आपकी हरिद्वार है, हरिद्वार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉर्मर RBI डेप्यूटी गवर्नर हु हैज़ पास अवे रिसेंटली। RBI के पूर्व उप गवर्नर का क्या नाम है जो हाल ही में निधन हो गया, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम है सुबीर विठल गोकरण, सुबीर विठल गोकरण का हाल ही में निधन हो गया। और इसके अलावा जो बाकी के आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, NS विश्वनाथन, ये RBI के डेप्यूटी गवर्नर है। MK जैन, ये भी RBI के डेप्यूटी गवर्नर है। BK कानूंगो, ये भी RBI के डेप्यूटी गवर्नर है। ये जो आपको लास्ट ऑप्शन दिख रहा है विरल वी आचार्य, ये RBI के पहले गवर्नर थे, लेकिन इन्होंने अब रिज़ाइन दे दिया। तो करंट अफेयर में इससे भी काफ़ी एक दो क्वेश्चन आए हुए कि RBI के कौन से डेप्यूटी गवर्नर है जिन्होंने 6 मंथ भी अपना कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले रिज़ाइन दे दिया, तो वो है विरल वी आचार्य। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, इन विच सिटी यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द सेटिंग अप ऑफ इसरो टेक्निकल लाइसेंस यूनिट ITLU। किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो तकनीकी संपर्क इकाई ITLU की स्थापना को मंजूरी दिया? तो ये जिसको मंजूरी दे, ये आपके रशिया के मॉस्को में बनेगा, ऑप्शन नंबर 5, रशिया के मॉस्को में बनेगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI टिल 15 नवंबर 2019। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 15 नवंबर 2019 तक किसे निलंबित किया है? तो ये किया है पृथ्वी शो को निलंबित किया है 15 नवंबर 2019 तक, ठीक है। इसके अलावा जो BCCI है, इसके जो 39 नंबर के हेड बनाए गए हैं उनका नाम याद रखना है। अभी रिसेंट न्यूज़ है सौरव गांगुली इनके 39 नंबर के, ये भी याद रखना है, 39 नंबर के बनाए गए हैं BCCI के, ठीक है। और ये जो BCCI है, ये हमारा नाडा के अंतर्गत आ गया, नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के अधीन अब आगे आता है, ठीक है, BCCI। इसके अलावा एक और होती है वाडा, WADA है, वाडा भी याद रखना है। नाडा का हेडक्वार्टर याद रखना आपका न्यू दिल्ली में, जैसे नाडा हमारा नेशनल इंडिया का है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वैसे ही वाडा आपका इंटरनेशनल का है। इसका जो हेडक्वार्टर है, नाडा का तो हो गया न्यू दिल्ली, वाडा का जो दोस्तों हेडक्वार्टर है ये आपका कैनेडा के मॉन्ट्रियल में है, कैनेडा में है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो आई होप मैक्सिमम फैक्ट आप लोगों के क्लियर हो गए इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु फ्लैग्ड ऑफ मोबाइल लाइब्रेरी बस सर्विस अंडर द घर घर दस्तक घर घर पुस्तक स्कीम। घर घर दस्तक घर घर पुस्तक स्कीम, घर घर दस्तक हर घर पुस्तक योजना के तहत मोबाइल लाइब्रेरी बस सेवा को हरी झंडी किसने दिखाई? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 5, प्रहलाद सिंह पटेल, ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री विल वेव एंट्री वीज़ा फ्री फॉर इंडिया। कौन सा देश भारत के लिए प्रवेश वीज़ा शुल्क माफ करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, श्रीलंका ने माफ़ किया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु टुक ओवर एस विप्रो चेयरमैन। विप्रो के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम बताना है।
तो उनका जो नाम है दोस्तों वो है रिशद प्रेम जी, ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद, किसको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ई एल एस एन बाला प्रसाद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के प्राइवेट स्पेशल सेक्रेटरी बने हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पीएम के एक सेक्रेटरी बनाए गए हैं जिनका नाम है प्रमोद कुमार। ठीक है, प्रमोद कुमार है पीएम के सेक्रेटरी का, और एक पीएम के एडवाइजरी बनाए गए हैं जो पीएम को एडवाइस देंगे, उनका नाम है प्रदीप कुमार। ठीक है, सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर का है प्रमोद कुमार और एडवाइजरी का नाम है प्रदीप कुमार, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और रामनाथ कोविंद की दोनों की यहाँ पे बात होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच डे इज़ ऑब्जर्व एज द हिमाचल प्रदेश स्टेट डे। हिमाचल प्रदेश जो स्टेट डे है वो मनाया जाता है 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु टुक ओवर एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA, किसने लेखा महानिदेशक CGA के रूप में पदभार संभाला है। इसका राइट आंसर बताना है, इसका जो राइट आंसर होगा गिरिराज प्रसाद गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दोस्तों हिंदी हर किसी की थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होगी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूँगा, क्योंकि जब वर्ड फाइल को PDF फाइल में चेंज करते हैं ना तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच पेमेंट बैंक हैज़ डिसाइडेड टू कन्वर्ट इनटू ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, कौन से पेमेंट बैंक ने डिसाइड किया है कि वह स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है IPPB, IPP का मतलब होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, NCB का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा राकेश अस्थाना, राकेश अस्थाना हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ NCB नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2019 कोटिफ कप वाज हेल्ड इन स्पेन, 2019 का कोटिफ वर्ल्ड कप स्पेन में हुआ, कोटिफ कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ये जो कोटिफ कप है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये जो है फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है, और इसको जीता भी स्पेन ने था, ठीक है, ये भी याद रखना, स्पेन में हुआ था, स्पेन के वेंसिया में हुआ था, जीता भी स्पेन ने है, लेकिन ये जो है फुटबॉल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो मौलिंग नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, वाल्मीकि जो दिख रहा है ये आपका बिहार में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज स्वोर्न इन एज द गवर्नर ऑफ नागालैंड, नागालैंड के नए गवर्नर किसे कौन बने हैं, या फिर किसने नागालैंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आर एन रवि जो नागालैंड के नए गवर्नर बने हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड ऑन ए पायलट बेसिस, पायलट बेसिस का मतलब होता है सरकार एक बार ट्राई कर रही है, पूरे नेशन में लागू नहीं की लेकिन कुछ स्टेट्स में लागू हुई है, मतलब ट्राई कर रही है, मतलब छोटे लेवल पर ट्राई करना। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम पायलट बेसिस पर 4 स्टेट में लागू की गई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेट वो वाला पार्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 60 नंबर का, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, केरला। ये तेलंगाना में लागू की, आंध्र प्रदेश में की गई, महाराष्ट्र में की गई और गुजरात में की गई, केरला में ये लागू नहीं की गई, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन, सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में कौन से स्टेट ने टॉप किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात ने टॉप किया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच सिटी 5th धर्माधर्म कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, कौन से शहर में 5वां धर्मधम सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका जो राइट आंसर है वो होगा राजगीर, राजगीर में ये आपका 5वां 5th धर्माधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विद विच नीति आयोग, यहाँ पे नीति आयोग की बात हो रही है, तो दोस्तों पहले नीति आयोग की बात कर लेते हैं। नीति आयोग के जो CEO है वो है अमिताभ कांत, अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO है, और इसके अलावा नीति आयोग के एक वाइस चेयरमैन पर्सन बनाए गए हैं, उनका नाम आप लोगों को बताना है, उनका नाम है राजीव कुमार, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और बाकी जो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं वो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं, आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है 20 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच कंट्री हैज़ बीन इन्वाइटेड एज द पार्टनर कंट्री फॉर दिस ईयर्स गीता जयंती महोत्सव शेड्यूल टू बी हेल्ड एट कुरुक्षेत्र फ्रॉम 3 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर, 3 से 8 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाला गीता जयंती महोत्सव के लिए किस देश को भागीदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा नेपाल में,
नेपाल को आमंत्रित किया गया है, जो आपका 3 से लेकर 8 दिसंबर तक होगा। तो ये थे दोस्तों आपके आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, पार्ट वन था। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताना। और इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर मंथ वाइज करंट अफेयर का अगर टेस्ट चाहते हो, आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हो, हाँ मैंने इस मंथ की पढ़ ली है तो इस मंथ का टेस्ट ले लेते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डिसाइड करके जरूर बताना। फिर हम एक टॉपिक डिसाइड कर लेंगे, कोई भी टॉपिक, फिर उस पर टेस्ट लेते रहिए और प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। ऐसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप लोगों को भी हो जाएगा कि हाँ ये सब्जेक्ट, ये वाला टॉपिक हमारा पूरा हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो।